हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का 14 मार्च जो डे है दुनिया भर में किडनी डे इस तरीके मनाया जाता है, क्योंकि किडनी हमारे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारा शरीर में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको बैलेंस करता है और शरीर में जो खून में पॉइजनस सब्सटेंस है और जो खराबी है वो किडनी द्वारा उसको फिल्टर करके यूरिन वाटे दूर करती है। तो जैसे हमारा शरीर में हार्ट है, लीवर है, हमारा जो जॉइंट है, ब्रेन है, आंखें है, ऐसे तरह एक किडनी भी हमारा शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये शरीर में जो हमारा अम्बेलिकस एरिया है इसके पीछे राइट एंड लेफ्ट दो प्रकार के किडनी, दोनों बाजू किडनी होती है। और किडनी हमारा शरीर में जो भी खून होता है उसको फिल्ट्रेशन प्लांट कर बोला जाता है। इसमें छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, ये नेफ्रॉन्स हमारा शरीर में खून को फिल्टर करते हैं। इसमें यूरिक एसिड जो ज़्यादा होता है, इसमें जो कास्ट होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शंस होता है और जो भी गंदगी होता है उसको साफ करके खून हमारा हृदय को भेजता है। सो ए इज अ सो मच इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि वो जब खराब हो जाता है तब इसके लिए बहुत दर्दी को तकलीफ और फाइनेंशियली भी बैर करना पड़ता है। क्योंकि जब किडनी फेल होती है तो धीरे धीरे किडनी का जो फेलियर इंडिकेशन है, जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, धीरे 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 बढ़ता है और बढ़ने के कारण आधुनिक साइंस में इनको कंट्रोल करने के लिए तो ये लोग डायलिसिस या ट्रांसप्लांट प्रक्रिया को आजमाते हैं, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पर आपको और आपके जो फैमिली में 5 या 7 सीरम क्रिएटिनिन लेवल रहता है तो आपको ये जरूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और मैंने मेरी ओपीडी में बहुत सारे 35 साल में बहुत सारे पेशेंट को रिवाइव किया है, अच्छा भी किया है। तो उसके लिए आप धीरज से जो दवा करते हैं तो आपका जो क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होता है और आपकी किडनी भी स्वस्थ होती है और आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो मित्रों, जो किडनी फेलियर में क्या कॉज हो सकता है, तो सबसे पहले जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता है 180/120 और 190/140, इन लोगों को एक तो किडनी फेलियर होने का संभावना रहती है। सेकंड थिंग, जो लोगों में यूरिन में ज़्यादा बारंबार इन्फेक्शंस होता है और इन्फेक्शन में आप ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक लेते हैं तो इससे जरिए भी आपकी किडनी का फेलियर होने का चांस रहता है। कई बार खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो ये यूरिक एसिड के जरिए भी आपकी जो किडनी में नेफ्रॉन्स में नेफ्रोलाइसिस होता है, किडनी स्टोन बनता है और ज़्यादातर अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो धीरे धीरे किडनी फेलियर का इंडिकेशन बताता है। कई बार खून की कमी होता है और ये लॉन्ग टर्म रहता है और किडनी के लिए वर्किंग के लिए ज़्यादा खून चाहिए तो ये खून की कमी की वजह से भी आपका शरीर की किडनी धीरे धीरे वीक हो सकती है। कई बार आप खुराक में ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं या आप ज़्यादा तली हुई चीज़ खाते हैं और आपका वज़न बढ़ता है, वज़न कंट्रोल नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ रहती है, उन लोगों को भी किडनी फेलियर का चांस रहता है। कई बार हमको जॉइंट पेन होता है तो वी टेक द लॉट ऑफ पेन किलर फॉर लंबे टाइम तक या कोई हाई एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसी जरिए भी आपकी किडनी फेल होने की संभावना रहती है। कई बार पेशाब में प्रोटीन निकलता है तो भी धीरे 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 आपकी जो किडनी होता है वो श्रंक हो जाती है और किडनी फेल हो सकती है। कई बार अनकंट्रोल्ड आपने डायबिटीज रहता है तो जो डायबिटीज शुगर होती है या आप उसको मैनेज नहीं करते और प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेते और लॉन्ग टर्म आप डायबिटिक पेशेंट हो तो ये जो शुगर है सबसे पहले किडनी, आंखें या ब्रेन को भी नुकसान कर सकती है। तो 50% पेशेंट को जो भी डायबिटीज है उसको किडनी का
5x टाइम रिस्क रहता है, तो उनका शुगर लेवल प्रॉपर चेक करना चाहिए और उनकी जो भी मेडिकेशन है प्रॉपर लेते हैं तो आपका जो शरीर का स्वास्थ्य का बैलेंस रह सकता है और आप हेल्दी भी रह सकते हैं। कई बार पेशाब में खून निकलता है तो खून की वजह से भी कई बार जो किडनी में इन्फेक्शन होता है तो ये भी इसका कारण भी बन सकता है। कई बार प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कई बार रिफ्रैक्ट ऑफ यूरिन जाता है, यूरिन जो नीचे उतरना चाहिए ये ग्रेविटी से अप चला जाता है तो ये किडनी में प्रेशर करता है, इससे जरिए भी किडनी फेल होने की संभावना रहती है। तो ये जब मोटा मोटी कॉज है और जो लोग उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म रात को जागते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, खाने में प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा ले लेते हैं या फ्राइड फूड ज़्यादा ले लेते हैं और नॉनवेज जैसे चीज़ ज़्यादा लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसरीड बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे किडनी में नेफ्रोस्क्लेरोसिस या किडनी फेलियर होने का चांस रहता है। मित्रों, किडनी जब फेल होती है तो आपको कौन से लक्षण देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो आपको वीकनेस लगता है, सांस चढ़ता है, नींद नहीं आती है, स्किन ड्राइनेस होता है और बारंबार आपको यूरिन जाने की इच्छा होती है, थकान हो जाता है, सर्दी खांसी झड़प से हो जाती है, नौशिया एंड वॉमिटिंग हो जाता है, वेरी कॉन्स्टिपेशन रहता है, थोड़ा भी खाना खाते तो पाचन नहीं होता है, शरीर में स्वेलिंग आ जाता है और दर्दी को कमर के भाग में पेन होता है, चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर काबू में नहीं रहता है, उसको यूरिन में बर्निंग होता है, कई बार यूरिन में पेशाब में करते हैं तो इसमें फीम निकलता है, तो ये फीम की वजह से भी प्रोटीन जाने का एक इंडिकेशन बताता है। कई बार अंदर रक्त स्त्राव होता है, पेशाब में खून जैसा निकलता है तो तुरंत आप डॉक्टर को सलाह सूचन करना चाहिए तो आपको किडनी के लिए प्रॉपर जो मेडिकेशन मिलता है तो ये ठीक हो सकता है। मित्रों, जब किडनी फेल होती है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको हीमोग्राम का टेस्ट करना चाहिए। हीमोग्राम मीन्स शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये 12 से 15 मिली माइक्रोन पर डीएल होना चाहिए। इसी तरह आपको बी12 एंड विटामिन डी की भी आपको जांच कराना चाहिए। कई बार डी और विटामिन बी12 कम होता है तो भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। कई बार आपको यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, यूरिन टेस्ट में जो अंदर पस सेल प्रेजेंट है या शुगर ज़्यादा प्रेजेंट है या आपको अंदर RBC ज़्यादा होता है तो ये भी इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी फेलियर का इंडिकेशन का जांच हो सकती है। फोर्थ नंबर है इज अ मेन सीरम क्रिएटिन लेवल। तो नॉर्मल हेल्दी जो किडनी होती है उसकी 0.7 टू 1.3 mg पर dl डेसीलीटर क्रिएटिनिन जो होता है तो ये हेल्दी इंडेक्स बोला जाता है, पर कई बार इसे ज़्यादा होता है, इट मे बी द फेलियर इंडिकेशन। कई बार शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो 0.3 से 5 mg पर dl जिन लोगों को यूरिक एसिड रहता है तो इन लोगों को यूरिक एसिड इज नॉर्मल माना जाता है, पर कई बार इसे ज़्यादा होता है तो इसे भी किडनी फेलियर होने के चांस रहता है। दर्दी को हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराते हैं तो किडनी की साइज़ कितना है, कितना श्रंक हुआ है, इसे भी मालूम पड़ जाता है। तो दर्दी को एक तो ब्लड प्रेशर काबू में रखे, जो डायबिटीज है तो उसको शुगर कंट्रोल में कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खुराक में प्रोसेस फूड बंद कीजिए, सॉल्ट की मात्रा कम कीजिए, मेडिटेशन योगा कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, खाने में भी सुबह में खाइए, शाम तक धीरे धीरे कम खाइए, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। ये सब कुछ आप फैक्टर करते हैं तो आपकी किडनी की हेल्थ डबल गुनी अच्छी हो सकती है। पर कई बार किडनी फेलियर में आधुनिक साइंस में उसको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट दर्दी को एडवाइस किया जाता है। ये जो भी है बहुत एक्सपेंसिव है और ये लॉन्ग टर्म
दर्द ही सस्टेनेबल नहीं रहता है, तो शुरुआत से आप जो किडनी की केयर करते हैं तो ये सब कुछ रिवाइजेबल है और किडनी हेल्दी भी रह सकता है। इसके लिए आप होम्योपैथिक में जो 5 दवा है मैं जनरली यूज़ करता हूँ, आर्सनिकाल, एल सीरम, R64, लाइकोपोडियम, एसिड नाइट्रिकम, हेमामालिस, मेलिफोलियम, कैंथारिस, स्टेफिसग्रिया, कोनायम एंड एकोनाइट दवा। ये सब दवा है, ये वेरियस इंडिकेशन प्रमाणे हम पेशेंट को देते हैं, पर ऐसे केस में आपको सेल्फ ट्रीट नहीं करना चाहिए क्योंकि किडनी इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। आप जो सिमिलर उसकी दवा नहीं देते तो किडनी और फेलियर में जाने की चांस रहता है और दर्द अच्छा होने से बेटर ख़राब हो सकता है। तो ऐसे केस में आप कोई वेल्ड क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाइए और शांति से दवा लीजिए। ये 1-2 दिन में क्रिएटिनिन लेवल नीचे नहीं आ सकता है, इसके लिए आपको 6 मंथ से भी ज़्यादा टाइम दवा लेना चाहिए, उसका प्रॉपर गाइडेंस से दवा लेना चाहिए, उसके डू एंड डॉन्ट्स क्या खाना क्या नहीं पीना, प्रॉपर हिस्ट्री मुताबिक जो सिमिलर दवा देते हैं तो आपकी किडनी से अच्छी हो सकती है। मित्रों मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।